सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाए। सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं Arrive24TV। Arrive24TV पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। काफी दिग्गज एक्टर थे और सभी ने उनको बहुत प्यार दिया। रोज ही उनकी न्यूज पर कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज का क्या खुलासा है, आइए नजर डालते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई में यह तय कर सकता है कि सुशांत केस की जांच कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई FIR को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने मंगलवार को रिया, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की दलीलें सुनी थी। सभी पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ED भी आज सुशांत के बॉडीगार्ड्स का बयान दर्ज कर सकता है। ऐसे में गुरुवार को इस मामले में एक अहम माना जा रहा है। वहीं बिहार सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिक कानून के मुताबिक वैध है। बिहार ने आरोप लगाया था कि मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस पहुंची राज्य की पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग नहीं किया। बिहार सरकार ने भी दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने उसे सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के बॉडीगार्ड को समन भेजा था। गुरुवार को ED उसका भी बयान दर्ज करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI की एकीकृत जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तरीके से पूरा देश हैरान है। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए Arrive24TV के साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।